हाँ मैडम, आज हम आप लोगों को आप बीती एक घटना बता रहे हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस। ठीक है, आप कैसे पढ़ाई करो कि आप अपने जीवन में कामयाब हो। एक चीज बताएं मैडम, अगर आपके अंदर जुनून है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, समझाते हैं मैडम। हमारे एक चाचा थे जो हमारे दोस्त थे, हमारे घर के बगल में रहते थे। हम दोनों साथ साथ मिडिल स्कूल जानते हो ना, दोनों साथ साथ पढ़ने जाते थे। ठीक है, तो हम दोनों के बीच एक कंपटीशन रहता था कि हम आपसे ज़्यादा नंबर पाएंगे परीक्षा में। यह उनके अंदर भी था और मेरे अंदर भी था। अब जब चूंकि यह बात लोग धीरे धीरे जानने लगे, तो उनके जो पिताजी थे वह एक हाई स्कूल में अंग्रेजी के अध्यापक थे, दूर यानी कि बाहर पढ़ाते थे। हम लोग तो घर पर रहते थे, गांव की बात है। तो उनके पिताजी ने अपने लड़के को एक ट्यूशन लगवा दिया कक्षा 8 में। ठीक है, ताकि उनका लड़का अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके, और हमसे कंपटीशन चल रहा था। तो हमने अभी अपने पिताजी से कहा, पिताजी हमको भी ट्यूशन लगवा दीजिए। तो हमारे पिताजी संस्कृत स्कूल में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि हम अपने चूनी जो है करी में बांध करके रात रात भर दिया के सामने पढ़े हैं, हम तुमको ट्यूशन नहीं लगवाएंगे। पहले कुंजी आती थी बेटा, कुंजी भी नहीं खरीदेंगे, अपने मेहनत से पढ़ो। तो हम जो है पढ़ते रहे। अब समझो, मुंशी जी पंडित जी बाबू साहब पहले इसी प्रकार के अध्यापक के नाम होते थे। तो मुंशी जी जब उनको पढ़ाने आते थे तो एक दलान होता था, उस दलान में एक खिड़की लगी रहती थी। खिड़की के बगल में वे हमारे दोस्त को यानी चाचा जी को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। ठीक है, और हमारे अंदर इतना जुनून था कि हम भी अंग्रेजी में से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी का ट्यूशन लगवाया था उन्होंने। तो उसी खिड़की के पीछे बाहर हम बैठे रहते थे। इधर मुंशी जी जो भी पढ़ाते थे वह सारी चीज़ हम वहाँ पर्दे के पीछे यानी कोई दीवार के पीछे बैठे रहते थे, पढ़ लेते। अब बताएं बेटा, सच्चाई यह है कि थोड़ा सा विषय का इंटरेस्ट था, हम चाहते थे कि हमको अंग्रेजी खूब अच्छी आवे। तो जितना मुंशी जी पढ़ाते थे, थोड़ा ज़ोर ज़ोर आवाज़ में पढ़ाते थे हमारी तरह, तो नीचे पीछे आवाज़ जाती थी, हम पूरी बात उनकी जो है समझते थे और किताब लिए के बैठे रहते थे, सब पढ़ लेते थे। अब गांव का स्कूल था, चारों ओर चर्चा थी, पूरे स्कूल में भी चर्चा थी कि इस चचा भतीजे में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन। छमाही इम्तहान हुआ, 50 नंबर का अंग्रेजी पेपर होता था। उस स्कूल में और भी अध्यापक थे, तो सब लोग एक साथ बैठ करके हमारी और हमारे दोस्त की दोनों की कापियां जो है सीरियसली चेक किए। ठीक है, तो परिणाम जब कापी जांची गई, कापी पहले जंचती थी, अब तो आजकल की कोई बातें नहीं है, तो 50 में 26 नंबर हमारे दोस्त को आया। और हमारी कापी जब जची तो उसमें हमको 32 नंबर मिला। कितने नंबर मिले? 32 नंबर। आपको बता रहे हैं, आप बीती घटना बिल्कुल सच्चाई है। अब जब रिजल्ट सुनाया गया तो ये हुआ कि राजनाथ का नंबर जो है ज़्यादा अच्छा है,
32 नंबर पाया, जबकि यह ट्यूशन नहीं पढ़ता। अब दूसरे दिन मुंशी जी फिर आए ट्यूशन पढ़ाने, समझो। अब उनके शिष्य का केवल 26 नंबर ही आया था, तो हमको बुलवाया उन्होंने, कहा जाओ उसको बुला लो। हम गए मुंशी जी से नमस्ते किए, हमने कहा बताइए मुंशी जी। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा 32 नंबर कैसे आया, जबकि हमने पढ़ाया इनको भी अच्छे ढंग से, इनका 26 नंबर ही रहा। यानी 26 नंबर के बाद सीधे 32 नंबर आया, बीच में और लड़के क्या स्थित करे होंगे समझ लो, आज तो 50 में 50 मिलते हैं। तो बालक स्वभाव था, तो हमने मुंशी जी को बताया कि सर जी जब आप यहाँ पढ़ाते हो तो खिड़की के पीछे हम बैठे रहते हैं, जो आप यहाँ इनको पढ़ाते हो वह सारी बातें हम पीछे बैठ कर पढ़ते हैं। तो मुंशी जी बहुत जागरूक थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी लगन है तो ऐसा करो कि तुम अपने पिताजी से कह दो, पापा वापा नहीं कहा जाता था, बाबू कहा जाता था पिताजी, अपने बाबू से कह दो कि वह भी तुमको ट्यूशन लगवा दें। तो हमने कहा कि पिताजी कहते हैं कि हम जो है करी में अपनी चूनी बांध करके पढ़ाई किए हैं, हम जो है ट्यूशन उशन नहीं लगवाएंगे। तो मुंशी जी पहले वास्तव में गुरु होते थे, सच्चाई बताएं तो वे हमको बुलाए, उन्होंने कहा कि तुम हमको फीस ना देना, तुम आ करके हमारे पास बैठ के पढ़ो। यानी कि अध्यापक भी अच्छे होते थे, आज तो बिना पैसे के जो है किसी शिष्य को पढ़ाने के लिए कहो तो बताइए कोई पढ़ाने के लिए तैयार होगा, पढ़ने के लिए भी नहीं तैयार होगा, बेइज्जती महसूस करेगा। हम जो है वहाँ जाते रहे, मास्टर मुंशी जी खूब अच्छे ढंग से हम दोनों को पढ़ाए उठा। तो हमारे कहने का मतलब आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, आप हाई स्कूल में इंटर में हो तो निश्चित है कि आपके पास दोस्त दो एक होंगे, तो एक ध्यान रखना बेटा, यह कंपटीशन रखो अपने में, अपने दोस्तों में कि हम सारे दोस्तों से सबसे अच्छा नंबर पाएंगे, पहला पाठ है। और वह नंबर कैसे आएगा, सही नंबर, गलत नंबर नहीं, आजकल की तरह नहीं, यानी कि यह आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हम अपने दोस्त से आगे निकलेंगे। अगर जिस दिन यह भावना रहेगी पहला पॉइंट, तो निश्चित है कि आप आगे बढ़ो बेटा। और केवल इतना ही न सोचो, साथ में आपके अंदर वह जुनून होना चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इन किन प्रकारेण चोरी छुपे जैसे हो सके वैसे अच्छे से अच्छे नंबर पाने का आपके अंदर क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो ठीक है, लगनशीलता होनी चाहिए, तो निश्चित है कि आपका करियर ब्राइटफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। थैंक यू।